राजस्थान के नीमका थाना के नजदीक ग्राम राणासर में शहीद ओम प्रकाश जाखड़ की मूर्ति अनावरण समारोह में आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी आए हैं, जो काफी राजस्थान में युवाओं में प्रचलित है। और इसके साथ साथ संजय चौधरी भी यहाँ समाज सेवी मौजूद है, राणासर ग्राम के सरपंच है, ये राजकुमार जी जाखड़ ये भी यहाँ मौजूद है। और श्रीराम 108 कुंडिया महायज्ञ 8 तारीख से 16 तारीख तक था, जो आज पूर्णाहुति उसकी संपन्न हुई है और भव्य मूर्ति अनावरण हुआ है। लाखों लोग यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं। और बात करते हैं संजय चौधरी से कि समाज सेवी है, इन्होंने खूब समाज सेवी और खूब लोगों को, युवाओं को प्रोत्साहित किया है, तो किस प्रकार से है आयोजन किया गया और क्या कहेंगे आप आयोजन को लेकर, मूर्ति अनावरण को लेकर? ये 108 कुंडी महायज्ञ किया गया, ये मंदिर करीब करीब 1000 वर्ष पुराना है, जर्जर अवस्था में हो गया था। तो राजकुमार जी का जन्म के बाद से जो व्यवस्थाएं यहाँ बदली, तो कोई संत महात्मा तो रहते नहीं थे, तो इनको विचार आया कि भाई इसका जीर्णोद्धार करके इसको भव्य निर्माण करवाया जाए मंदिर। तो इन्होंने खुद ने भी आर्थिक रूप से खूब सहयोग किया और क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, और करीब करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र के सभी सहयोग किया और भव्य निर्माण किया मंदिर का। और जब मंदिर का निर्माण कर रहे थे उसके पश्चात इनको समझ में आया कि भाई यहाँ गौशाल गऊ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, गोचर भूमि पर लोगों ने अनियंत्रित कब्जा कर रखा है, तो गऊ की स्थिति कैसे सुधरे, उसका सुधार कैसे हो, इसलिए इन्होंने शहीद ओम प्रकाश जी जाखड़ जो इनके पिताजी हैं उनकी याद में करीब करीब उस समय 50 लाख रुपए की लागत से भव्य गौशाला का इन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद में संत सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में, ये उनके प्रमुख चेले भी हैं, हमें भी उनके सानिध्य में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके आदेश हुआ कि भाई यहाँ एक भव्य 108 कुंडीय महायज्ञ करवाया जाए, तो मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो और क्षेत्र में लोग खुशहाल कैसे हो, और जो वेस्टर्न कल्चर की ओर जो युवा का रुझान हो गया है वो धर्म की ओर कैसे हम उसको वापस लौटाएं, इस दिशा में क्षेत्र का वातावरण कैसे सुधरे, इस चीज को लेकर मई 2023 के 8 मई से शुरू हुआ और 16 मई को आज इसका समापन था। समापन के शुभ अवसर पर इनके फादर जो जाफना में श्रीलंका में शहीद हो गए थे करीब 33 वर्ष पहले, उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह भी रखा गया और युवाओं के चहेते निर्मल चौधरी को यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने बुलाया और इन्होंने अपने व्यस्तम समय में से भी समय निकाला और शहीद परिवार की भावनाओं का ख्याल रखा है, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजकुमार जी के लिए तो मैं जितना कम कहूँ उतना कम है, मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने राजकीय सेवा में रहते हुए भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जो रुचि ली और जो योगदान दिया उनके लिए कोई बहुत बिल्कुल। इस आयोजन को लेकर ग्रामवासियों प्रमुख लोगों और संजय चौधरी का भी योगदान रहा सामाजिक धार्मिक कार्य में मूर्ति अनावरण शहीद के सम्मान में। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी, और काफी इन्होंने शानदार तरीके से चुनाव जीता था और बहुत ही आलीशान इनका स्वागत हुआ था जगह जगह। तो बात करते हैं निर्मल चौधरी से, आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे, दोनों आयोजन को लेकर मूर्ति अनावरण और यज्ञ अनुष्ठान? बड़ा भव्य आयोजन हुआ यहाँ शेखावाटी की धरती पे, इतना भव्य आयोजन 108 कुंड का ये महायज्ञ किया गया भाई राजकुमार जी के द्वारा, ये क्षेत्र की जनता के लिए उनके सुनहरे भविष्य के लिए जो कार्यक्रम किया गया वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसे कार्यक्रम में जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं जरूर अपना समय निकाल के पहुंचूंगा। नीम का थाना के युवाओं के लिए, नीम का थाना के और भी जो सामाजिक कार्य है धार्मिक, उनमें आप योगदान देंगे? देखिए मतलब जी जी बिल्कुल, हमेशा जहाँ भी बुलाएंगे मैं तैयार रहोगे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के युवाओं के लिए हमेशा तत्पर होंगे बिल्कुल, और राजकुमार जी को बधाई दूंगा इस बड़े अच्छे कार्यक्रम के लिए, खूब सारी शुभकामनाएं और आगे के जीवन के अंदर ऐसे कार्यक्रम करते रहे, जनता की सेवा करें, जनता इनको मजबूत बनाए, मौका दें ताकि और उनके लिए अच्छा कार्य करें। आप लाखों युवाओं की धड़कन हो, क्या आगे भी आप बनने की कोशिश यही लगातार जारी रहेगी? जी शुरू से मेहनत यही की है तो उन लोगों के लिए हमेशा जीवन उन लोगों के लिए हाजिर है। धन्यवाद। बात करते हैं राजकुमार जाखड़ जी से, जो राणासर ग्राम के सरपंच भी हैं और इन्होंने अद्भुत गौशाला का निर्माण करवाया था, धार्मिक कार्यों में सामाजिक कार्यों में सदा अग्रणी रहते हैं। राजकुमार जाखड़ जी से बात करेंगे, जो इनका भी योगदान है इस धार्मिक 108 कुंडिया यज्ञ अनुष्ठान में, और मूर्ति अपने पिताजी की आज मूर्ति का अनावरण जो हुआ है, जो नीम का थाना नहीं भारत के इतिहास में इतनी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं और ब्रिगेडियर और भी पूर्व सैनिक पधारे हैं, बहुत अच्छे लोग धार्मिक संत साधु संत सभी लोग पधारे हैं, क्या कहेंगे आप इस आयोजन को लेकर और आज अपने पिताजी की याद में? देखिए ये जो आयोजन है ये हमारे पूरे गांव ने लगभग 6-7 महीने से बहुत अच्छी मेहनत करी है
आसपास के लोगों ने भी खूब प्यार दिया है। फिर निर्मल जी यूथ के आइकन है, इनके आने से भी खूब लोग जो है जुड़े हैं, और संत महात्माओं का बड़ा एक आशीर्वाद है। तपोस्थली है तो ये तो अपने आप खींचती है, इसमें हमारा कोई ज्यादा योगदान नहीं है। हमने तो बेड़ा ले लिया, वो सफल होता गया। सभी ग्राम वासियों का मदन लाल जी भवरिया और भी कई कार्यकर्ता मुख्य हमारे का योगदान है। हमारे अध्यक्ष जी हैं बंसी जी जाकर दुलाई वाले, उनका भी है। शंकर जी गुजरे उनका भी है, करोड़ राम जी गुजरे उनका भी है। सभी लोगों का, सभी का एक बहुत अच्छा सहयोग रहा। पुलिस का भी अच्छा सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन ने तो बहुत अच्छा आज का जो सारा प्रोग्राम सुसज्जित तरीके से अगर निपट रहा है तो उनकी वजह से। बिल्कुल, आपकी मीडिया को, पुलिस कर्मियों को और जो पधारे हुए सभी लोगों को, अपने जो बाउंसर लोगों की टीम है, सबने बहुत अच्छा टाइम दिया। किसी खाना भी शायद किसी ने नहीं खाया है, तो अब सब आराम से करेंगे। यहाँ पे लाखों लोगों का भंडारा भी आयोजित हुआ है, लेकिन अभी इतना व्यस्त है, दिन भर लगातार व्यवस्था चल रही है कार्यक्रमों में। और लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि राजस्थान ही नहीं, नीम का थाना ही नहीं, पूरे भारत देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे एक सरपंच और एक आम नागरिक के नाते? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जंगल का शेर बनो जी, सर्कस का शेर ना बनो, और प्लाट दुकान ठीक है जैसे धर्म कर्म करो, लोगों का जो कमजोर है साथ दो, मतलब ये जीवन सार्थक हो जाए, ये काम करो परोपकार का जो भी। धन्यवाद बहुत बहुत। आप देख सकते हैं इस हेलीकॉप्टर से आए विजय जी चंदेल है हमारे साथ थानेदार साहब, और ये काफी है, ये पायलट साहब भी है यहाँ से, और इनसे बात भी करना चाहेंगे कि पायलट साहब से नई बात करेंगे पायलट साहब। और बाकी निर्मल चौधरी जो आए हैं और हमारे इसी हेलीकॉप्टर से आए हैं, करीब 4 घंटे यहाँ पे खड़ा रहा, और बाकी देख सकते हो।